हिमाचल प्रदेश में कोरोना अब तक 32 लोगों की जान ले चुका है। जिला ऊना की बात करें तो इस जिला में वैसे तो कोरोना से पहली मौत दर्ज की गई है, पर मामला थोड़ा हैरान करने वाला है। यहां पर हमीरपुर जिला के रहने वाले एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट उस समय पॉजिटिव आई जब उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। 70 वर्षीय यह व्यक्ति पिछले लंबे समय से बीमार चल रहा था, जो इलाज के लिए अपनी बेटी के घर जिला ऊना के घालूवाल आया हुआ था और उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भी गया था। एक जो मिडिल एज जो पर्सन था वो इसमें पॉजिटिव आया है। वो हमीरपुर से आए थे अपनी बेटी के पास घालूवाल में, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लक्षण पाने होने के कारण जो है ट्रीटमेंट ली और एक्सरे सीटी स्कैन भी हुआ था, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हैरानी की बात यह है कि कोविड-19 रिपोर्ट आने से पहले ही वृद्ध की मौत हो गई। जब तक मृतक के पॉजिटिव आने का पता चला, तब तक परिजनों ने नदौन के पंसाई में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग का हरकत में आना स्वाभाविक ही था। विभाग ने अब मृतक के संपर्क में आए लोगों और ट्रैवल हिस्ट्री की जांच भी शुरू कर दी है। जी, उसका हमने जो उसकी बेटी है उसके वहाँ पे जो लोग गए हैं संस्कार में भी गए हैं, उन सबसे भी हम साहब ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली है और उनके जल्दी ही सैंपल लिए जाएंगे। पिछली जो लेट नाइट रिपोर्ट मिली है हमें 11:30-12 बजे के करीब, उसमें 11 लोग पॉजिटिव आए हैं हमारे। उसमें फॉलोअप में हमारे 15 फॉलोअप थे जिसमें 13 नेगेटिव हो गए हैं, जो खुशी की बात है। लेकिन जो हमारे पॉजिटिव केस हैं उसमें हमारे 2 स्टाफ के, एक स्टाफ नर्स है और एक हमारे लैब में काम करते हैं लेडी है, वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये चिंता का विषय है क्योंकि ये मिला के अभी 8 लोग हमारे जो हैं स्टाफ के जो हैं संक्रमित हो चुके हैं। तो पूरा हम सैनिटाइज कर रहे हैं सीटी स्कैन और लैब को भी और एक्सरे में भी। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।